नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक के रूप में ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लिए थे और स्कूल का आवंटन आपका हो गया था और स्कूल बाद में दिखना बंद हो गया है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जेएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के लिए दो नए अपडेट यहाँ पर आपको बताएंगे जो कि अभी अभी जारी किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 2024-25 में अतिथि शिक्षक नियुक्ति पाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। जिन अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा था, उनकी समस्या दूर हो चुकी है। साथ ही जिन अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के ज्वाइनिंग के लेटर पर जो पुराना स्कूल था वही वाला स्कूल, यानी जो सत्र के शुरू में ज्वाइन हुए थे और वहाँ पर किसी कारण से, शिक्षक आने के कारण से, प्रमोशन अतिशेष कोई भी कारण से वो बाहर हुए थे, तो वह ज्वाइनिंग हुए बाहर हुए संकुल से रिमूव हुए, तो उनकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं सेंड हो रही थी वह तो होने लगी थी, लेकिन उनके ज्वाइनिंग का लेटर में पुराना स्कूल ही शो हो रहा था, जिसके कारण वह ज्वाइनिंग के लेटर में संबंधित नवीन स्कूल में ज्वाइन होने के बाद भी या तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर उसमें प्रचार सिग्नेचर किस तरह से करेंगे, क्योंकि पहले वर्ग एक में अगर आप काम कर रहे थे, अब वर्ग दो का स्कूल आवंटित हुआ तो उसमें आपको दिक्कत थी। तो दो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। आपको अपनी आईडी पर इस तरह से लॉगिन होके आ जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपल सा 3 डॉट के इस मेनू पर ओके करना है। प्रक्रिया वही है जो आप करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम करके आपको एक बार ही दिखा देते हैं। इसमें जब आप ओके करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग वाले में इसमें ओके कर लेना है। इसमें जब ओके कर देंगे तो आपके सामने कुछ और मेनू की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें देख सकते हैं ये बहुत सारे, इसमें ओके करने के बाद ये बहुत सारे यहाँ पर ओपन हो गए हैं। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर इस वाले में व्यू चॉइस फीलिंग स्टेटस, इसमें से पता चलता है कि आपको कौन सा स्कूल आवंटित किया गया था। ये चीज आपने पहले देखा होगा और देखने के बाद यहाँ पर इस तरह से जब ओके करेंगे उसमें तो आपको आपका स्कूल यहाँ पर शो हो रहा होगा। शो होने के बाद आप जब सेलेक्ट किए होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया होगा और आपने इसको सेंड किया होगा। सेंड करने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन शो होता है जिसमें से आप प्रिंट निकाल लिए होंगे, लेकिन पुरानी स्कूल उसमें शो हो रही थी और मैसेज सेंड होने के बाद स्कूल में जहाँ पर ऊपर शो हो रहा स्कूल वो हट गया था। लेकिन अब ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा इसी वाले में अब चेक करिएगा व्यू चॉइस फीलिंग स्टेटस। व्यू चॉइस फीलिंग स्टेटस में आप जब दोबारा से जाएंगे तो आपके सामने जो ये वाला मैसेज आ रहा था रिकॉर्ड नॉट फाउंड का, अब उसके सामने आपको इस तरह से मैसेज शो होने लगेगा। आपका जो वर्ग में स्कूल आवंटित हुआ है वो यहाँ पर रहेगा, आपका नाम वगैरह यहाँ पर, जो डाइस कोड वगैरह स्कूल का रहेगा, और यहाँ पर रहेगा कि आपने मैसेज भेज दिया है, शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा। इससे ये पता चलता है आप जो परेशान थे कि हमारी स्कूल हट गई, क्या रिक्वेस्ट गई कि नहीं गई, तो यहाँ से आपको वो समस्या। तो एक अपडेट ये हो गया। दूसरा अपडेट था कि जिनका रिक्वेस्ट जाने के बाद पुराना स्कूल शो हो रहा था, तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, उनके लिए अब नया स्कूल यहाँ पर शो होने लगा है। तो नया स्कूल यहाँ पर शो होगा, डाइस कोड भी यहाँ पर नया शो होने लगा है। तो उस लेटर को आप बड़ी ही आसान तरीके से आज या कल फिर निकाल के कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप निकाल लें। बहुत ज़्यादा इस समय अतिथि शिक्षक परेशान है। हमारे वीडियोस पर यहाँ पर कई कमेंट आते हैं जिसमें अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। हम सबकी परेशानी देखते हैं जैसे ही समय मिलता है और कोशिश करते हैं ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों के लिए जो नए अपडेट आते हैं उस समय से पहले आपको दे सकें ताकि आपकी परेशानी यहाँ पर दूर हो सके। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेटर के बिना आप स्कूल पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नया स्कूल आ चुका है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन ये भी रहेगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। अब वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।